भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7992499821। नवगछिया के खरीक में फिल्म स्टाइल में लूट मचा हड़कंप, एसपी ने गंभीरता से लिया मामला। नवगछिया में बीती मध्य रात्रि मददपुर गांव स्थित नेशनल हाईवे NS-31 के खरीक टोल प्लाजा पर हथियारों से लैस अपराधियों ने हथियार का भय दिखाते हुए 1,15,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। अपराधी 2 से 3 की संख्या में थे और लूटपाट के क्रम में केबिन में बैठे कर्मचारी पर फायरिंग भी की। केबिन से बाहर कर्मचारी के निकलते ही केबिन के उल्टे साइड की खिड़की से पैसों वाला बॉक्स लेकर अपराधी फरार हो गया। अपराधियों का सारा करतूत सीसीटीवी में कैद हो गया है। नौगछिया एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही अपराधियों का शिनाख्त कर गिरफ्तार करने की दावा की है। सुरक्षित नहीं है नौगछिया के खरीक में स्थित टोल प्लाजा। वर्ष 2016 में भी अपराधियों ने की थी गोलीबारी। नौगछिया टोल प्लाजा पर 3 वर्ष पूर्व भी अपराधियों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। वर्ष 2016 में टोल प्लाजा पर लूट की घटना को अंजाम देने की मंशा से आए 5 से 6 की संख्या में अपराधियों ने गोलीबारी की थी। इस दौरान अपराधियों ने टोल प्लाजा पर 20 चक्र गोली फायरिंग किया था। अपराधियों के गोलीबारी की घटना के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, लेकिन इन दिनों टोल प्लाजा के पास पुलिस नहीं रहने से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद टोल प्लाजा के ठेका कंपनी रणछोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कहा कि टोल प्लाजा की राशि भारत सरकार को जाती है। रणछोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को राशि कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। रणछोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई क्षति भारत सरकार की है। उन्होंने इस आधार पर टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने लूट की घटना में शामिल अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नवगछिया में जो खारी टोल प्लाजा है, यहाँ पे कल रात को एक घटना हो गई है। कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग करते हुए टोल प्लाजा का कैश लूट लिया है। मैं रणछोड़ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। कितने कैश लूटे गए हैं? 1,30,000 से 1,40,000 के बीच में कैश लूटा गया है और फायरिंग हुआ है। कितने बजे घटना लगाई है? ये रात को 12:05 की घटना है। कैसे पता चला, क्या लग रहा है घटनाओं से? ये सीसीटीवी कैमरे में देखा, एक आदमी अपने मुंह को ढक के आया और आकर हवा फायर किया। किसी घबरा के भागा अपने साथी को बुलाने के लिए और वो खिड़की से के कैश रखा हुआ बैग लेकर इधर केले के पेड़ों में घुस गया। इसकी जानकारी अभी तक अपने? हमने जानकारी एसपी मैडम को दे दी है, जो नवगछिया SHO साहब है उनको दे दी है। उच्च अधिकारी दिल्ली में जो हमारे NHAI के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। यहाँ पे जो पहली बार घटना आई और कई हो चुकी है ऐसी, एक घटना 2016 में भी पहले हुई थी जब हम ही लोग टोल चला रहे थे तो 10-15 अज्ञात लोग आकर फायर वायर हो गया था। उस टाइम भी ऐसा कुछ घटना करने का उनका कोई प्रोग्राम था। क्या लग रहा है, बार बार यहाँ पे ये घटना हो रही है, इससे आप क्या? अभी तो 10-15 दिनों से सब कुछ ठीक ठाक था माहौल, लेकिन अचानक एकदम ऐसी घटना होने से भय का माहौल बना हुआ है। हमारे जितने स्टाफ हैं सब घबराए हुए हैं, क्योंकि हवा में फायर किया तो उससे ऐसा लग रहा है कि सब लोग घबरा गए हैं। अपना परिचय दे रहे हैं? मेरा नाम सोनू धनखड़ है, मैं कंपनी बोर्ड डायरेक्टर हूँ। देर रात
खरीक टोल प्लाजा के नाम से टोल प्लाजा है एक नौगछिया में, तो उसमें एक घटना घटी है जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें एक अपराधी जो है उनका जो बॉक्स है उसको लेके भागा है। तो इस संदर्भ में नौगछिया थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और जो भी अपराधी है उसको चिन्हित करने का और गिरफ्तार करने के लिए नौगछिया थाना प्रभारी को आदेश दे दिया गया है। कितने की बताई जा रही है ये? 1,00,000 के लगभग दिया है उन्होंने, एग्जैक्ट उसमें नहीं है नंबर, वो तो उसमें डिटेल निकालेंगे कि कितने से कितने कलेक्शन था उसमें, लेकिन 1,00,000 के लगभग इन्होंने इसमें लिखा है। वो बोल रहे हैं इस तरह की घटना बराबर यहाँ पे होती रहती है। नहीं, नौगछिया में आप लोग भी देखे हैं अभी तक टोल प्लाजा पे कोई भी लूट की घटना जो है पिछले 2-3 साल में तो नहीं हुई है जो हमको ध्यान है। इसके लिए क्या आगे कार्रवाई वहाँ पे मतलब जो भी ये अपराधी है उसको डिटेक्ट करना कि कौन है, पहचान करना, आइडेंटिफाई करके गिरफ्तारी करने के लिए और जो भी लूटी हुई राशि है उसको बरामद करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दे दिया गया। NH 31 को लगातार लूट की घटना हो रही है मैम। हाँ, NH 31 पे जो जाम जो लग जा रहा है उसमें ऐसा होता है कि जो ट्रक वाले हैं या उनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जो जाम में फंसे होती हैं गाड़ियां, उनसे कुछ युवक लोग आता है लाठी डंडा दिखा के उनको कुछ पैसे उनके छीन लेना, ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं। तो इसमें थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि गश्ती में रहेंगे और जो भी ऐसे तत्व हैं उनको चिन्हित करके गठित कार्रवाई करेंगे। नवगछिया स्टेशन परिसर में लगाया गया रोटी बैंक, जरूरतमंदों के बीच वितरित किया गया मुफ्त भोजन। सामाजिक संस्था सेवार्थ ने लगातार 13वें सप्ताह शनिवार को बाल भारती विद्यालय के सौजन्य से नौगछिया रेलवे स्टेशन परिसर में भूखे एवं जरूरतमंद लोगों के लिए रोटी बैंक नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मिक्स गर्मा गर्म खिचड़ी की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर आयोजित समारोह में बाल भारती विद्यालय के अध्यक्ष पवन सराफ एवं उपाध्यक्ष अजय कुमार रुंगटा ने कहा कि इस तरह का आयोजन किसी भी सभ्य समाज के लिए एक मिसाल है, मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। मौके पर सेवार्थ के संयोजक सब बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, बाल भारती विद्यालय के अध्यक्ष पवन सराफ, उपाध्यक्ष अजय रुंगटा, प्राचार्य नवनीत सिंह, खेल शिक्षक विकास पांडे, रंजीत रोशन, सेवार्थ के पंकज कुमार भारती, अनंत विक्रम, पुरुषोत्तम कुमार, प्रशासक DP सिंह, धर्मेंद्र कुमार, राजू सिंह, मनोज केजरीवाल, रंजन मिश्रा, आमिर शाह, ओम प्रकाश सिंह, पिंटू सिंह, विवेकानंद शाह, अजीत सिंह, ताइक्वांडो संघ के सचिव घनश्याम प्रसाद, मिथुन मधेसिया सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया SP ने गोपालपुर थाने का किया औचक निरीक्षण, अभिलेखों की जांच, दिए कई दिशा निर्देश। नवगछिया SP निधि रानी ने शनिवार को गोपालपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के सभी कांडों की कांडवार निरीक्षण किया एवं सभी अभिलेखों की जांच की। मौके पर थाना अध्यक्ष गोपालपुर श्रीकांत भारती समेत सभी पुलिस पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। आज गोपालपुर थाना का निरीक्षण करने आए हैं, तो निरीक्षण के दौरान में मुख्य रूप से जितने भी अभिलेख हैं थाना स्तर पे जो की संधारित होते हैं उनकी क्या अधिकतम स्थिति है, क्या उसमें त्रुटियां हैं, वो सब देखा जाएगा और साथ ही लंबित कांडों की समीक्षा थाना में की जाएगी अनुसंधानकर्ता द्वारा। तो अब तक में मैडम कितना कुछ लंबित कुछ ऐसा? अभी लंबित कांडों की समीक्षा भी करना बाकी है और अभिलेखों का अभी अवलोकन किया जा रहा है, जहाँ पे जो त्रुटि आ रही है इनको उसको सुधार करने के लिए निर्देशित कर दिया जा रहा है। जो अभिलेख जो अभी तक हमने देखे हैं वो काफी हद तक अद्यतन हैं, क्योंकि पूर्व में भी औचक निरीक्षण में हमने जब अद्यतन नहीं पाया था इस अभिलेखों को तो इनको दिशा निर्देश दिया था, उन दिशा निर्देश के द्वारा अनुपालन किया गया है और थाना अभिलेखों को अद्यतन किया गया है। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33। IS IPS फाउंडेशन क्लासेस,
अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। खरीक लोकमानपुर में कदवा के ग्रामीणों के सहयोग से बना चचरी पुल। कदवा के ग्रामीणों द्वारा लोकमानपुर से कदवा जाने के लिए ग्रामीणों के सहयोग से कोसी नदी पर तकरीबन 20 फीट लंबी बांस बत्ती एवं बल्ले की चचरी पुल बनकर तैयार गया है। वहीं ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत से चचरी पुल बनकर तैयार हुआ है। चचरी पुल तैयार करने से अब कदवा और लोकमानपुर के बीच कोसी नदी पर आवागमन सुगम हो गया है। लोकमानपुर और कदवा के ग्रामीणों को कोसी नदी पार करने में भीषण कठिनाई होती थी। इस कठिनाई से निजात पाने के लिए कदवा के ग्रामीणों के तरफ से चचरी पुल बनाने की पहल की गई। कुछ ही दिनों में चचरी पुल बनकर तैयार हो गया। शनिवार को नए बांस बत्ती बल्ले का तैयार चचरी पुल ग्रामीणों के लिए कोतूहल का विषय रहा। गांव के युवा खुशी से चचरी पुल पर सेल्फी लेने लगे और सोशल मीडिया पर भेजने लगे। बताते चलें कि चचरी पुल कदवा के ग्रामीणों के सहयोग से बना है। चचरी पुल बनने से लोकमानपुर के लोगों का कदवा आना जाना आसान हो गया है। ढोलबज्जा स्वतंत्रता सेनानी सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलभद्र प्रसाद मंडल का निधन। सीओ व जनप्रतिनिधियों ने बलभद्र मंडल के पार्थिव शरीर को दी सलामी। खैरपुर कदवा पंचायत के आश्रम टोला निवासी स्वतंत्रता सेनानी भूतपूर्व मुखिया सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलभद्र प्रसाद मंडल का निधन शनिवार की सुबह करीब 8 बजे हो गया। वे 95 वर्ष के थे। बलभद्र मंडल के मौत की खबर सुनते ही पूरे इलाके के लोगों ने पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन की। तीनों पंचायत के मुखिया अजय कुमार अशोक सिंह व राजकुमार मंडल उर्व मुन्ना, माले नेता रामदेव सिंह, जिला परिषद नंदनी सरकार श्रवण राय सहित कई अन्य ने बलभद्र मंडल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम दर्शन किए। वहीं विश्व भारती प्रतियोगिता के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भी शिक्षक नेपाली मिस्त्री व रामदेव मंडल के साथ आश्रम टोला पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम दर्शन किया। वहीं बलभद्र मंडल के निधन पर नौगछिया सीओ विद्यानंद राय के साथ कदवा ओपी पुलिस ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें सलामी दी। खरीक नदी थाना में मारपीट और हंगामा करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार शराबी को रिहा कराने की मांग को लेकर नदी थाना में हंगामा और सिपाही के साथ मारपीट करने के मामले में नदी थाना पुलिस ने शनिवार को कालूचक निवासी बुलबुल यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने बुलबुल को गांव में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मालूम हो कि इससे उक्त मामले के पूर्व पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी है। गोपालपुर तिंटेंगा करारी स्थित खास महल कचहरी को रंगरा में शिफ्ट किए जाने का विरोध। बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा। गोपालपुर अंचल के तिंटेंगा करारी स्थित खास महल कचहरी को रंगरा अंचल में शिफ्ट किए जाने के विरोध में तिंटेंगा करारी पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में ग्रामीणों ने पुनः खास महल कचहरी को गोपालपुर अंचल में शामिल किए जाने मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता चिरंजीवी राय उर्व पटेल ने बताया कि पूर्व में हम लोगों ने लिखित आवेदन SDM, DM, कमिश्नर व CM को देकर तिंटेंगा करारी स्थित खास महल कचहरी को रंगरा के बजाय गोपालपुर अंचल में करने की गुहार लगाई थी। मौके पर कई ग्रामीणों ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने से खास महल कचहरी गोपालपुर अंचल के अंतर्गत कार्यरत है। अब साजिश के तहत रंगरा अंचल में शिफ्ट कर दिया गया है, जिस कारण अब 3 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर चलकर रंगरा अंचल जाना होगा। वहीं मौके पर मुखिया गिरधारी पासवान, पूर्व मुखिया कुमार नवरत्न उर्फ टुनबाबू, सरपंच घनश्याम पासवान, उप मुखिया अनंत यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया के गोपालपुर में प्रखंड स्तरीय बूथ कमेटी की समीक्षात्मक बैठक। गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सैदपुर गांव में शनिवार को गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने आगामी 4 जनवरी को होने वाले विधानसभा को लेकर प्रखंड स्तरीय दौरा किया। वहीं इस बाबत सैदपुर मंदिर में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन साकेत बिहारी ने किया। मौके पर विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मजबूती लाने के लिए बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव को परिचय पत्र दिया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि निकेत बिहारी, अंकित सम्राट सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।
गोपालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया स्थापना दिवस। गोपालपुर प्रखंड के लतीपाकर धरारा स्थित प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक की अध्यक्षता में कांग्रेस का स्थापना दिवस झंडोत्तोलन के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विनय कुमार, जनार्दन यादव, जयंत मंडल, दिलीप शर्मा, राज किशोर सिंह, रामस्वरूप साह, पंडित अत्यानंद झा, सतीश चंद्र ठाकुर, आदित्य पवन सिंह, विवेक कुमार झा, सुशील कुमार चौधरी, शंभु शरण सिंह, अरविंद पंडित, बाबू फिरंगी सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया नगर पंचायत के वार्ड 13 में पार्षद ने किया कंबल का वितरण। नवगछिया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद हाजी फहीमा खातून द्वारा शनिवार को अपने वार्ड 13 में 40 असहाय तथा जरूरतमंद एवं वृद्ध लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद फिरोज आलम, मन्नान अंसारी, शेख हुमायूं, अफरोज मंसूरी सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया के खरीक अठनिया में दो पक्षों में मारपीट, दो घायल। खरीक थाना क्षेत्र के अठनिया में शनिवार को दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुआ, जिस मारपीट में बालक कुमार और अरविंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज खरीक पीएससी में किया गया। घायलों ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खरीक के ध्रुवगंज में मारपीट में एक घायल। खरीक थाना क्षेत्र के ध्रुवगंज गांव में पुरानी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें चालो यादव बुरी तरह से घायल हो गया। घायल का इलाज खरीक पीएससी में किया गया। मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खरीक गोट खरीक सरपंच का फेसबुक मैसेंजर हैकर ठगों ने की ठगी। खरीक प्रखंड के गोट खरीक पंचायत के सरपंच गणेशपुर निवासी ओम प्रकाश भारती का फेसबुक हैक कर ठगों द्वारा रुपया ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर गोट खरीक सरपंच ओम प्रकाश भारती ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में सरपंच ने बताया है कि किसी ने मेरा फेसबुक हैक कर मोबाइल नंबर 7690855012 से मेरे मैसेंजर पर मेरा झूठा दुर्घटना का मैसेज चलाकर पेटीएम नंबर 0123456 एवं खाता संख्या 9176905012 के माध्यम से मेरे शुभ चिंतकों और दोस्तों से रुपए ठगी कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।